नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। इस वक्त हम एक चाय की दुकान पे हैं और चाय पे चर्चा करेंगे, खासकर उन बुज़ुर्गों से, उन युवाओं से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार इतने दिन राज किए और तेजस्वी यादव युवा नेता है, तो क्या आपको नीतीश कुमार की जो राज थी वो सही लग रहा है, या तेजस्वी की उम्मीद आप जता रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तो अच्छा करेंगे? जहाँ तक शासन का सवाल है, उसमें दोनों के अनुभव के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, नीतीश जी के पास जो अनुभव है वो तेजस्वी जी के पास नहीं है। युवा चेहरा ज़रूर है लेकिन अनुभव तो उनके साथ ज़्यादा है, और जो अभी तक उन्होंने काज किया है संतोषजनक ही रहा है। नया चेहरा ही आना चाहिए, नया चेहरा। बहुत दिन हो गया इनका शासन। नीतीश कुमार से शासनकाल से कहीं ना कहीं आप नाराज़ होते हैं? नहीं, नाराज़ काहे रहेंगे, नाराज़ नहीं है। कौन नया चेहरा किसे देख रहा है, देखते हैं किसको कहें, पब्लिक चुनेगा, हम थोड़े बताएंगे। आपकी तरफ से कुछ होगा ना कि ये अच्छा काम कर रहा है? तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, जो होगा पब्लिक फैसला करेगी। लेकिन नया चेहरा बिहार में आना चाहिए। चलिए, आपको क्या लगता है, नया चेहरा आना चाहिए बिहार में? आना चाहिए। किसे मौका दे, तेजस्वी यादव को दे, कन्हैया कुमार को दे, पप्पू यादव को? पब्लिक चुनेगी जिसको। नहीं, आपकी तरफ से क्या, आपका तरफ से कुछ नहीं है? हमने तरफ से नहीं है। पब्लिक नीतीश कुमार के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? ना, खुश है, खुश है। लेकिन नए चेहरे की उम्मीद जताई जा रही है। आइए, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। सिर्फ रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, उसके अलावा कुछ और? कोई नया फैक्ट्री वगैरह कहीं लगा तो बताइए थोड़ा। आपने रोजगार की बात की, इन दिनों तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाले हुए। तेजस्वी यादव देखिए, फिर जब राष्ट्रीय जनता दल की बात आती है तो मैं उनको, तेजस्वी यादव को एक राय सलाह देना चाहूँगा कि उनके पार्टी में उनसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके आगे लाए तो नीतीश कुमार कहीं नहीं टिकने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उनके पार्टी के कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, आपको भी लग रहा है? नहीं, वो उतना तो मैं अंदर नहीं गया हूँ पार्टी में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके पार्टी में एक से एक अनुभवी लोग हैं, उनको सामने आने, उनको आगे लाना चाहिए, नहीं तो फिर मैसेज जाएगा लोगों के बीच में वही कि परिवारवाद। ठीक है, परिवारवाद फिर आ जाएगा, फिर हावी हो जाएगा, फिर ये फिर टिकेंगे नहीं, नीतीश बाबू ही निकलना है फिर जी। तेजस्वी यादव युवा है, मौका नहीं देना चाहिए कि युवा एक सामने आए, युवा काम करे? देखिए, पहले तो आपकी चुनावी प्रक्रिया ही इतनी गलत है कि आप एक चपरासी को अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन राजनेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या ये उचित है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। उनके क्वालिफिकेशन को लेकर आपको चिंता है कि? नहीं, मैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं सभी दल में, मैं पार्टिकुलर उन पर नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाले हुए हैं। ठीक है, देखिए, हर आदमी का अपना अपना पेशा है, रोजगार है, और उसमें वो शामिल है, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ रुझान दिखा। अच्छा, आप तेजस्वी को मौका देना चाहिएगा, लेकिन परिवारवाद थोड़ा आपको भी चिंता लगता है? नहीं, परिवार चिंता का विषय। आप किसे देखना चाहिएगा बिहार में? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव से उम्मीद है आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? देखा जाएगा, सबका तो वही हाल है, सीखता है, हर कोई सीखेगा। हाँ ना, सीखेगा। लालू राज रहा काफी दिन, उससे खुश थे आप? मिला जुला है, सब तो वही है। लालू जी का तो हम लोग फैन है भाई, लालू जी का फैन है, क्योंकि बोलना सिखाया उन्होंने, बोलना आज हम बोल रहे हैं, आप मैक लगाए हुए हम बोल रहे हैं उनके वजह से, लालू जी के। हाँ, लालू जी तो जेल में, उससे क्या प्रॉब्लम है, जेल में बहुत, महात्मा गांधी जेल में गया था। महात्मा गांधी भी जेल में थे, महात्मा गांधी घोटाला के इसमें जेल नहीं गए थे? घोटाला देखिए भैया, ये सिस्टम है, यहाँ क्या बोले, हम तो बोलेंगे तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, सिस्टम है, उनको तो फंसाया गया है, सिंपल। जो भी है, नीतीश कुमार के कार्यकाल से आप खुश हैं? हाँ। तेजस्वी यादव भी पूरी तैयारी में? ठीक है, वो तो समय बताएगा। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है, युवा चेहरा है, हम कैसे बता सकते हैं अभी? लेकिन नीतीश कुमार आपको ठीक लगेंगे? अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार ही अच्छे हैं, कारण कि कुछ उनका काम अच्छा लगा, कुछ बुरा भी है, लेकिन वो उतना बुरा नहीं है कि जो दिक्कत करने लायक है। कोई नया चेहरा को मौका नहीं देना चाहिए अभी तो? हमको, हमरे समझ से नया चेहरा अभी युवा पीढ़ी में बहुत सोच समझ जो है ना, नहीं मिला पाएगा।
तो यहाँ इस चाय दुकान पे हमने बात की लोगों की, कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को फिर से 2020 में मौका देने की बात कही, वहीं कुछ लोगों ने युवा तेजस्वी यादव पे भरोसा जताया, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि परिवारवाद एक समस्या है, जो पार्टी में बड़े चेहरे हैं उनको सामने आना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।